16 श्रृंगारों में से एक श्रृंगार है बिंदी। औरतों के माथे पर लगी बिंदी उनके श्रृंगार में 4 चांद लगा देती है। माथे की बिंदिया से जहाँ चेहरा खिल जाता है तो वहीं दूसरी तरफ इससे रूप भी निखर जाता है। लाल, पीली, हरी, गुलाबी, काली, हर रंग की बिंदी का अपना अलग सौंदर्य है। लेकिन आपको बता दे, ये बिंदी सिर्फ आपकी सुंदरता ही नहीं, आपकी किस्मत और पर्सनैलिटी को भी बदल सकती है। ऐसे में आज हम खूबसूरती में 4 चांद लगाने वाली माथे की बिंदी के बारे में कुछ खास जानकारी देंगे, जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों, बिंदी के बारे में जानने के लिए ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले आपको बता दें, दोनों भौहों के बीच के थोड़ा सा ऊपर का हिस्सा तीसरी आंख कहलाता है। ज्योतिष विद्या के अनुसार तीसरी आंख पर बिंदी लगाने से पूरी पर्सनालिटी पर असर होता है। तीसरी आंख वाला हिस्सा आपके व्यक्तित्व का केंद्र माना जाता है, और अगर इस हिस्से पर सही रंग और आकार की बिंदी लगाएं तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। आजकल लड़कियां और महिलाएं काले रंग की बिंदी बहुत शौक से लगाती हैं। काले रंग की बिंदी आजकल फैशन और ट्रेंड का प्रतीक भी माना जाता है, लेकिन कई लोगों के मन में रहता है कि काली बिंदी लगानी चाहिए या नहीं। ऐसे में आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपको फैशनेबल बनाने के अलावा काली बिंदी आपकी रक्षा भी करती है और आपको नेगेटिविटी से बचाती है। छोटे बच्चों को भी नजर का काला टीका इसी मकसद से लगाया जाता है। क्रिएटिव फील्ड से ताल्लुक रखने वाले लोग तीसरी आंख पर ऑरेंज बिंदी अप्लाई करके अपनी क्रिएटिविटी सोच को बढ़ा सकते हैं। चंदन का ऑरेंज टीका भी यही काम करता है और इसे महिला एवं पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी जिंदगी में प्यार की कमी है या फिर आपकी लव लाइफ में कुछ उलझने हैं, तो आप ओवल शेप के चटक लाल बिंदी लगाकर अपनी लव लाइफ बैलेंस कर सकती हैं। तो चलिए अब आपको बता दें बिंदी लगाने के फायदों के बारे में। अगर आपको अच्छी नींद नहीं आती तो आपके लिए बिंदी लगाना काफी फायदेमंद है। बिंदी बॉडी के अपर पार्ट को शांत बनाए रखने में हेल्प करती है। दरअसल माथे पर ऐसी मसल्स होती है जिन पर बिंदी लगाने से वो रिलैक्स हो जाती है। यही नहीं, बिंदी एक मसाजर की भूमिका भी प्ले करती है, इस वजह से अच्छी नींद आ जाती है। बिंदी को दो भौहों के बीच लगाते हैं, यहाँ पर शरीर की सभी नसें एक साथ मिलती हैं, इसीलिए इसे पुराने समय से ही अग्नि चक्र के नाम से जाना जाता है। इस जगह को तीसरी आंख भी कहते हैं। अगर आप बिंदी लगाती हैं तो आपका मन शांत रहेगा, साथ ही आपको तनाव नहीं महसूस होगा। भौहों के बीच का यह हिस्सा बेहद सेंसिटिव होता है। टेंशन होने पर सबसे पहले इसी हिस्से में दर्द शुरू होता है। बिंदी इसको शांत करके नुकसान की भरपाई करने में मदद करती है। अगर आपके चेहरे पर रिंकल्स आने शुरू हो गए हैं तो आपको बिंदी लगाने की आदत डाल लेनी चाहिए, इससे एजिंग की प्रोसेस स्लो हो जाती है। दरअसल बिंदी फेस की मसल्स को मजबूत करती है, जिससे रिंकल्स आने की प्रोसेस स्लो हो जाती है। इसके अलावा आई मसल्स को मजबूत बनाने में बिंदी खूब काम आती है। इसे माथे के बीचों बीच लगाया जाता है और इस जगह की नसें और आंखों की नसों का आपस में गहरा कनेक्शन होता है। इससे आपको आसपास साफ देखने में मदद मिलेगी। कुंडली टीवी डेस्क से प्रिया शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।